Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Rahul Kumar, your science teacher. Aaj ka science related hamara topic pressure, force and area se mutalliq hai. To sabse pehle hum dekhte hain ki pressure kya hota hai. To pressure ko hum is tarah se define kar sakte hain ki force per unit area, force acting per unit area is called pressure. Theek hai? To yahan par bhi maine प्रेशर की डेफिनेशन लिखी है, तो देखें और हाईलाइट भी करेंगे अपनी बुक पे कि द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स होती है यानी वो क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है. मैथमेटिकली प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर is equal to force over area. Force over area, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स जो है वो प्रेशर के इक्वल होती है. तो अगर हम ये देखें कि प्रेशर को हम डिनोट करते हैं यानी पी से, इससे पी से डिनोट करते हैं, और इसी तरह फोर्स को अगर हम एफ से डिनोट करें, और एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, तो ये जो अबव इक्वेशन मतलब अबव रिलेशन है इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कहते हैं कि पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए. ठीक है, तो ये तो मैंने रिलेशन बताई थी कि यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स जो है वो प्रेशर के इक्वल है, और अगर हम इसे यानी सिंबल्स की मदद से फॉर्मूला शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए. तो यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स हैं यानी प्रेशर फोर्स के बारे में, कि नंबर वन क्या कि जब सेम फोर्स एक्ट करती है डिफरेंट एरियाज पर, ठीक है, यानी डिफरेंट एरियाज पर सेम फोर्स जब एक्ट करती है तो स्मॉलर एरिया जो है वो क्या करता है, विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर. ठीक है, जबकि लार्जर एरिया will experience low pressure. तो दोबारा सुन लें कि यहाँ पे जो main याद रखने वाली बात है वो क्या है कि force same है लेकिन area जो है वो different है. ठीक है, smaller और larger. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब different areas पर same force act करती है तो उस सूरत में क्या होगा कि smaller area will experience high pressure while larger area will experience low pressure. ठीक है, तो ये तो यानी जो यहाँ पे अहम बात थी वो ये थी कि फोर्स सेम लग रही है लेकिन एरियाज डिफरेंट है, यानी डिफरेंट एरियाज पर जब सेम फोर्स एक्ट करती है तो उस सूरत में दो सूरतें हैं, क्या कि जो स्मॉलर एरिया है वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इसी तरह लार्जर एरिया विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर. ठीक है, इसी तरह दूसरा जो अहम पॉइंट है यहां पर क्या है कि अब डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही है सेम एरिया पर. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है, एक्ट ऑन द सेम एरिया, यानी यहां पर यानी फोर्सेस डिफरेंट है लेकिन एरिया सेम है, तो उस वक्त क्या होगा कि लार्ज फोर्स जो होगी विल एक्सर्ट हाई प्रेशर. यानी लार्ज फोर्स जो है, चूंकि फोर्स डिफरेंट है एरिया सेम है, तो लार्ज फोर्स जो है वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और इसके उलट क्या होगा कि स्मॉलर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, लो प्रेशर एक्सर्ट करेगी. जैसे कि मैंने यहां पर भी लिखा है कि स्मॉल फोर्स विल एक्सर्ट लो प्रेशर. तो ये अहम पॉइंट्स थे जो कि यानी प्रेशर और फोर्स से रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर के हवाले से. तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर में यानी दो यूनिट्स आ जाती है, एक को हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और दूसरी यूनिट जो है वो जो इस्तेमाल की जाती है वो क्या कहलाती है, पास्कल कहलाती है. मैंने यहाँ पर यानी इनके जो फॉर्मूलाज हैं या सिंबल्स हैं वो यहाँ पे शो किए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल जैसे की ये लिखते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं
कि ये यूनिट्स जो हैं वो डिराइव कैसे होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, कि हम जब फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एनी मेजरेबल क्वांटिटी, यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें, जिसकी हम तमाइश कर सकें, जिसे हम माप सकें, यानी वो क्या कहलाएगी, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो प्रेशर को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो प्रेशर क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत सी यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कस की जा रही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूनिट्स ऑफ प्रेशर है ये डिराइव किस तरह होती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यूनिट ऑफ यानी फोर्स क्या है, क्यों, क्या हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने यहाँ पर प्रेशर की यूनिट निकालने के लिए यानी फोर्स की यूनिट देखना होगी और एरिया की यूनिट देखना होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। इसीलिए जो है हम दोनों की यानी फोर्स और एरिया की यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या ड्राइव करेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस तरह से हासिल होती है। तो देखिए यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हुई, न्यूटन। ठीक है, यानी फोर्स की जो ऐसा यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इसी तरह एरिया, एरिया की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, स्क्वायर मीटर होती है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर कह ले या स्क्वायर मीटर कह ले। तो ये है फोर्स और एरिया की ऐसा यूनिट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो किस तरह बनेगी। देखिए फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। इसी तरह एरिया की ऐसा यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। तो यहां पर जो ऐसा यूनिट प्रेशर की जो बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर तो ये मैंने सिंबॉलिकली यहां पे रिप्रेजेंट किया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। ठीक है, अब यहां पर देखें इसे रीड कैसे करेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे, यानी यूनिट ऑफ प्रेशर को आप कैसे यानी रीड करते हैं, आप कहते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इस तरह से आप इसे रीड करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो पास्कल है, इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऐसे यूनिट कहलाएंगे। इसी तरह यानी जो यूनिट ऑफ प्रेशर है इसे पास्कल भी कहते हैं, जिसे आप पी ए से डिनोट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, प्रेशर की डेफिनेशन यानी स्टडी की, कि हम कहते हैं कि यूनिट एरिया किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स है वो इक्वल है किसके, प्रेशर के, और P इज इक्वल टू एफ ए हमने रिलेशन भी डिराइव की। इसी तरह हमने ऐसा यूनिट्स ऑफ प्रेशर भी पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो है वो यहाँ पर दो डिस्कस किए गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि फोर्स और एरिया की यूनिट्स के जरिए जो है वो डिराइव किए गए, और इसी तरह मैंने बताया कि यूनिट ऑफ प्रेशर को पास्कल भी कहते हैं। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेरी आपके जहन में आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।